तो आज जो है हम लोग सर्वांगसम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम। कंग्रुएंट। लेकिन सर्वांगसम जानने से पहले जो भी हम लोग पिछले एक्सरसाइज में देखें उसको देख लेते हैं। सर्वांगसम पढ़ने से पहले हम लोग पिछले क्लास में जो भी देखे हैं आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ताज़ा ताजी हो जाए। जैसे आपको याद होगा तो हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? हाँ, त्रिभुज के बारे में देखे थे और इसका वर्गीकरण देखे थे। तो त्रिभुज के बारे में देखे थे और त्रिभुज का वर्गीकरण देखे थे। तो वर्गीकरण पहले भुजा के आधार पर देखे थे, फिर कोण के आधार पर देखे थे। तो भुजा के आधार पर हमने आपको बताया था कि त्रिभुज क्या प्रकार के होता है, तीन प्रकार के। एक होता है समबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु और तीसरा होता है विषमबाहु, ठीक है। समबाहु क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इतना बताया था। चलिए दूसरा क्या होता है? विषमबाहु। तो विषमबाहु में हमने आपको बताया था कि विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजा बराबर होगा, ठीक है, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। और उसके साथ एक शर्त भी बताए थे कि विषमबाहु त्रिभुज जो भी दो भुजा बराबर होता है उसके सम्मुख कोण भी कट होता है। हाँ, आइए एगो थ्योरम पढ़ना है जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा होता है कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज ना। तो विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी कोण, सॉरी, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। और कोई भी भुजा बराबर जिस त्रिभुज का नहीं हो उस त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये भुजा के आधार पर समाप्त हो गया था। उसके बाद जो हम लोग वर्गीकरण किए थे, क्या चीज़ के आधार पर? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के जो त्रिभुज होता है, एगो समकोण, दूसर का न्यून कोण और तीसर का अधिक कोण त्रिभुज, राइट। चलिए तो समकोण त्रिभुज को हम लोग जाने थे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट। चलिए उसके बाद समकोण त्रिभुज में एक बार बताए थे कि यदि समकोण त्रिभुज का कोई दुगो, ठीक है, भुजा बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे ना। चलिए याद होगा तो अच्छा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? शर्त बताए थे कि प्रत्येक न्यून कोण क्या होता है? तो 45-45 डिग्री का होता है, ठीक है। और क्या बताए थे अगले नंबर में? अगले नंबर में यह बताए थे कि दूसर का जो होता है त्रिभुज कोण के आधार पर कौन सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो उस त्रिभुज को जो हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। और न्यून कोण का मतलब जो होता है 0 से लेकर 90 के बीच ना, 0 से 90 के बीच वाला डिग्री वैल्यू को, यानी अंश को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है कौन सा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज ना। तो अधिक कोण त्रिभुज में बताए थे जिस त्रिभुज का कोई एगो कोण क्या हो, अधिक कोण हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये एगो त्रिभुज ले लीजिए, इसका मान लीजिए कि एगो, जैसे बताए थे आपको याद होगा तब, ओहो, जैसे देख लीजिए ई हो गया, ई हो गया, इसको मिला दीजिए, राइट। तो मान लीजिए ई जो है 120 डिग्री का कोण बना है, तो 120 जो है कथी है, एगो कौन सा कोण है? तो अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी 90 और 180 के बीच। तो देखिए 120 जो बन रहा है ये 90 और 180 के बीच बन रहा है ना। चलिए तो ये हो गया एगो अधिक कोण त्रिभुज। तो इतना चीज़ जो हम लोग जान लिए थे त्रिभुज से रिलेटेड, यानी जो भी तथ्य था, यानी जो भी गुण था, लगभग जो हम लोग जान लिए थे। लेकिन अभी सभी गुण नहीं जाने हम लोग, इस चैप्टर में त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारा गुण पढ़ना है, ठीक है। आज उसी में से एक गुण कौन है? सर्वांगसम, ठीक है। कौन सा गुण है? सर्वांगसम, यानी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझेंगे कुछ बात को, तब जो है हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अभी तक हम लोग जो भी सीखे हैं, जैसे क्या चीज़ सीखे हैं? रेखा सीखे हैं, रेखाखंड सीखे हैं, आए कोण सीखे हैं, है ना, त्रिभुज, आए चाहे चतुर्भुज, जो भी ये सब आकृति होता है, ये सब आकृति होता है कौन सा आता है? ज्यामितीय आकृति होता है। कौन सा आकृति होता है? ज्यामितीय आकृति होता है। जो भी अभी तक हम लोग मैथ में सीखे हैं, रेखा, रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, बहुभुज, ये सब जो होता है कथी होता है? तो ज्यामितीय आकृति होता है, ठीक है। तो ज्यामितीय आकृति का जो है ये कथी हो गया, रेखा हो गया, ये रेखाखंड हो गया, ये कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, बहुभुज हो गया, बहुत सारा आकृति है। तो बहुत सारा आकृति है तो सबका अपन अपन एगो विशेष गुण होता है, होता है ना। जैसे मान लीजिए हम ही लोग आदमी है तो सबका कुछ ना कुछ तो विशेषता होगा, उसी प्रकार से ये सब आकृति है तो इसका कुछ ना कुछ कथी है, सबका विशेषता। तो वही विशेषता यानी वही गुण, ठीक है, आज हम लोग जानेंगे। उसमें से एक गुण है कौन सा? सर्वांगसम, ठीक है। कौन सा है बुआ? सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट। उसमें से एक गुण हम लोग सर्वांगसम को आज जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सर्वांगसम का हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बनाइए जल्दी, आप लोग लिखिएगा
दो आकृति को, दो आकृति को सर्वांगक्षम कहते हैं, सर्वांगक्षम, सर्वांगक्षम कहते हैं यदि, लिख क्या लिखे हैं वो ध्यान दीजिए, दो आकृति को सर्वांगक्षम कहते हैं यदि उनका आकार, क्या चीज बोला, आकार को इंग्लिश में शेप बोलते हैं, और माप, माप को हम लोग कथी बोलते हैं, साइज बोलते हैं, समान हो, क्या हो, समान हो, ठीक है, समझिए इसको, क्या लिखे उसको समझिए गौर से, दो आकृति को सर्वांगक्षम कहते हैं यदि उनका आकार और माप क्या हो, समान हो। आकार मतलब समझो, जैसे ये को कथी है, रेखा है, तो कथी के आकार हो गया, रेखा के आकार हो गया, आज मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर का, कितना है 5 सेंटीमीटर का, ये भी मान लीजिए कितना है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर का नाम है, मतलब ई रेखा है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है पी और इसका नाम है क्यू, तो इसको आकार बोलेंगे, कौन सा आकार है इसका, रेखा का आकार है, एक हो गया त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज का आकार हो गया, ठीक है, चतुर्भुज हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो इसे एक हो गया आकार हो गया, तो आकार का मतलब समझ गया, यानी शेप का मतलब समझ गया, और दूसरा क्या बात होता है माप, माप मतलब इसका लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, इसका कथी कहलाएगा, माप कहलाएगा, तो क्या बोला है कि दो आकृति को सर्वांगक्षम कहते हैं यदि उनका कथी आकार और माप भी कथी होना चाहिए, यानी इसका आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तो जैसे मैं देखिए आकार कथी है, रेखा का है, रेखा का है, लंबाई भी क्या है सेम है, यानी आकार भी सेम है और माप भी क्या है सेम है, तो इसे कथी कहेंगे हम लोग, सर्वांगक्षम आकृति कहेंगे, तो लिखेंगे ए बी बराबर कथी दिले है, पी क्यू दिले है ना बुआ, इसलिए कथी हो जाएगा हमारा ए बी सर्वांगक्षम, देखो सर्वांगक्षम का चिन्ह बराबर का चिन्ह देख के आई से दे देना, ठीक है, पी क्यू कथी हो जाएगा सर्वांगक्षम, देखो कैसे लिखे हैं, बराबर के चिन्ह पर देख के आई से करके आई से, फिर से देखो आई से, आई से भी दे सकता है, देख लो फिर से आई से एन नहीं है बुआ, आई से, ठीक है, चलो एन नहीं लिखे, देखो फिर से देख लो आई से, आई से, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सर्वांगक्षम का सिंबल हो गया, तो क्या किए ए बी समान, सॉरी ए बी बराबर दिले था पी क्यू के, तो आकृति सेम है और इसका लंबाई भी सेम है, यानी माप भी सेम है, तो ये हमारा जो है आकृति जो होगा ये कथी होगा, सर्वांगक्षम आकृति होगा, ठीक है, उसी प्रकार हम देख लेते हैं, और देखिए एक नंबर हो गया एग्जाम्पल, दूसरा का एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोण ले लेते हैं, तो कोण ले लिए, ये 90 डिग्री कोण है, कितना है बुआ, हाँ ये कोण कितना का है 90 डिग्री का, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए P, चाहे A दे दीजिए A, B, C, P, Q, R, है ना, अब यहाँ पे देखिए जरा कि यहाँ पे देखिए आकार भी सेम है बुआ, देखो आकार भी सेम है, आकार कथी का है, आकार कथी का है, कोण का है ना, कोण का आकार है, और माप देखिए तो माप भी सेम है, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो आकार भी सेम है, आकार सेम है, ठीक है, और माप भी सेम है, तो लिखेंगे कोण, क्या चीज, ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, ई दिले है ना, जब ये दोनों बराबर है तो कथी हो जाएगा, कोण ए बी सी सर्वांगक्षम हो जाएगा, कोण ए बी सी सर्वांगक्षम हो जाएगा ना, किसके, कोण पी क्यू आर के, तो ये जो है हमारा आकृति कैसे ना, सर्वांगक्षम आकृति है, और देख लेते हैं थर्ड नंबर में, देखे अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्या है, जैसे हम कह दें, चलो ये वो कथी है, बड़ग है, थोड़ा डबल लग रहा होगा लेकिन हम सेम बना है, इसका लंबाई दे देते, नाम दे दो ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इसका लंबाई है एक भुजा का कितना 5 cm, जानते हो कि वर्ग में क्या होता है, एक भुजा सभी भुजा के बराबर होता है, या आप बोल सकते हो कि वर्ग के सभी भुजा कैसे होता है, बराबर होता है, होता है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ए हो कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ए हो ए हो ए हो सब कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, तो देखिए तो आकार सेम है और साइज भी सेम है, तब कथी हो जाएगा, सर्वांगक्षम हो जाएगा, तो लिखेंगे ए बी सी बड़ कथी, ए बी सी डी बराबर दे ले कथी पी क्यू आर एस के, ठीक है, तो ए बी सी डी सर्वांगक्षम हो जाएगा बुआ, पी क्यू आर एस के, अच्छा हम त्रिभुज नहीं लिखे, तो चलो
चार नंबर में त्रिभुज लिख देते हैं, है ना, लिख दे चार नंबर में त्रिभुज। इसे ही देखिए, लगभग सेम है, थोड़ा गड़बड़ जाएगा तो माइनस कर लेना, ठीक है, लगभग क्या है सेम। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आकृति जो है समान है कि नहीं, देखिए आकृति सेम है, हाँ। कहने का मतलब इसका आकार सेम है, हाँ। चलिए आकार सेम है। अब देखिए इसका साइज भी सेम है, साइज यानी माप इसका सेम है, हाँ। देखिए माप दे देते हैं, मान लीजिए इसका भुजा का ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, अच्छा ये सब 5 5 है, ये भी 5 है, तो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है ना, तो क्या हो जाएगा ये ए बी सी, यानी त्रिभुज का सेम बोला ऐसे होता है, देखो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग बराबर दे लेकर त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है, इसलिए कहते हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसका, त्रिभुज डी ई एफ के, समझ में अलग कि ना, चलो आ गया। अच्छा अब तक चेक भी कर लेते हैं, एगो खाली बताओ यहाँ पे बताएगा ये त्रिभुज है, सबका 5 5 5 है, ये वर्ग है, ठीक है ना, इसका भी 5 5 5 है, बताओ सर्वांग सम आकृति है कि नहीं, है, अरे बकलोल सा आकृति, पहले देखो आकार इसका सेम है, जब आकार भी सेम होना चाहिए ना सर्वांग सम के लिए, आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी सेम होना चाहिए, तो तू सब माप देखे कर दिया है, माप माप समान होने से क्या होता है, दोनों होना चाहिए ना, आकार भी तो सेम होना चाहिए, आकार सेम कहाँ है, ये त्रिभुज है, ये कथी है चतुर्भुज है, चाहे बड़ बोल सकते हो, तो नहीं ना होगा, दोनों सेम होगा तब ये जो है हमारा कथी कहलाएगा, क्या बोलते हैं इसको, सर्वांगसम आकृति, ठीक है, नहीं है तो इसको आप उदाहरण में लिख भी सको, 5 नंबर उदाहरण की जो है हमारा सर्वांगसम ही नहीं होगा, ठीक है ना, चलो छापो जल्दी। अब यहाँ पे तनका हमको बताना तू सा, इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसका लंबाई हो गया 7 सेंटीमीटर। अब बताओ ई वाला आकृति और ई वाला आकृति जो है सर्वांगसम होगा कि ना, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आकृति तो सेम है, आकार तो सेम है, आकार तो सेम है, हाँ यानी आकृति सेम कह सकते हो, लेकिन इसका बउआ माप जो है सेम नहीं। अब सेम नहीं है, यानी दोनों में से कोई वोटा मंगाएगा तो जो है हमारा ई सर्वांगसम जो है नहीं कहलाएगा, ठीक है, जो भी आकृति होगा सर्वांगसम नहीं होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज और हमको बताना है, अभी ऐसा जो भी आकृति होगा, यानी जो भी ज्यामितीय आकृति होगा, ठीक है, समझ लो पहले, जो भी ज्यामितीय आकृति होगा जिसका क्या चीज आकार यानी शेप और माप बोले तो साइज दोनों सेम होना चाहिए, यदि दोनों सेम होता है तो आकृति कैसा कहलाएगा, सर्वांगसम आकृति, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, बताओ एगो वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, जिसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, एगो और वृत्त लेते हैं जिसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ उस सर्वांगसम आकृति होगा कि नहीं, होगा, ठीक है। अच्छा एगो चतुर्भुज ले लेते हैं जिसका प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर का है, एगो त्रिभुज ले लेते हैं जिसका प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर का है, तो बताइए वो आकृति सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आकार एगो आकृति त्रिभुज है, एगो कथी है चतुर्भुज यानी कथी या वर्ग बोल सकते हो, चाहे आयत चाहे जो भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए ही नहीं होगा, ठीक है, आकार भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। चलिए अब हेडिंग बनाइएगा आगे, देखिए समझिए, अब जो हम लोग जानेंगे दो त्रिभुज में संगत भुजाएं तथा संगत कोणों के अर्थ। अब जो है इस चैप्टर में हम लोग स्पेशल त्रिभुज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समझ आ गया ना, तो अब जो हम लोग जानेंगे दो त्रिभुज में संगत भुजाएं तथा संगत कोणों के अर्थ, संगत भुजा का अर्थ क्या होता है, संगत कोण का अर्थ क्या होता है दो त्रिभुज के बीच, उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो पहलू का बात लिखेगा, एक नंबर पॉइंट, दो त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं को, ठीक है, संगत भुजा कहते हैं, संगत भुजा कहते हैं, क्या लिखे उसको समझिएगा, कि दो त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं को संगत भुजा कहते हैं, तो दो को पहले त्रिभुज होना चाहिए, चलिए एगो ई त्रिभुज हो गया, ठीक है, एगो ई त्रिभुज हो गया, ठीक है, नाम इसका हो गया ए बी सी पी क्यू आर, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया कि दो त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं को संगत भुजा कहते हैं। समान कोणों की, तो दोनों त्रिभुज में समान कोण लेंगे हम लोग। तो मान लीजिए कोण ए जो है समान किसके है, कोण पी के, कोई दिक्कत? यानी ई वाला जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। कोण बी जो है, चलो इधर लिखे, कोण बी जो है बराबर किसके है, तो कोण बी है ना, किसके बराबर है, तो कोण क्यू के, कोई दिक्कत? हाँ चलिए, कोण सी, कोण सी यानी ई वाला किसके बराबर है, कोण आर के, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सिंगल दिए, यहाँ पे डबल दिए, यहाँ पे ट्रिपल दिए, इससे समझो क्या कि पहलू का कोण पहलू इसके बराबर है, दूसरा का कोण इसके बराबर है, तीसरा का कोण इसके बराबर, ठीक है। इतना ही इसका मतलब है, और कुछ नहीं है, ठीक है, समझो। तो इसमें बोला था दो त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजा संगत भुजा कहलाता है। तो दोनों त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा का कहलाएगा संगत कोण का, सॉरी संगत भुजा कहलाएगा। तो दोनों में समान अथी क्या बोलते हैं, दोनों में समान कोण ले लिए, तो समान कोण ले लिए ए ले लिए, कथी ले लिए को ए, तो इसका सम्मुख भुजा और इसका सम्मुख भुजा होगा से कथी कहलाएगा संगत भुजा कहलाएगा, ठीक है। तो देखो तो कोण ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख मतलब सामने, तो कोण ए के सामने कौन है, बीसी है, चलो तो कोण ए के सामने बीसी हो गया, कोई दिक्कत? चलो बीसी बराबर, चलिए अब पी है ना इसका, इसका संग इसका इसका जो है बराबर वाला कौन है, पी है ना, तो पी के सामने देखिए तक कौन है, क्यू आर, चलिए क्यू आर, ये कथी है बुआ संगत भुजा है ना रे। कौन पी, देखो कौन ए बराबर कौन पी है, बोला है ना दो त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाओं को संगत भुजा कहते हैं। दो गो त्रिभुज लिए, उसमें समान अति समान कोण लिए, समान कोण के सम्मुख भुजा को कथी बोलते हैं, संगत भुजा कहते हैं। तो लिखेंगे बीसी बराबर क्यू आर, कथी है बुआ संगत भुजाएं हैं, भुजाएं हैं क्योंकि एक से अधिक है। चलिए उसी प्रकार से देखिए, था कोण बी आ कोण क्यू आ बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू है रे, देखो रे देखो ना है ना, चलिए तो इसके समान वाला मतलब सम्मुख कोण है एसी है, चलिए एसी बराबर कौन हो जाएगा, इसके समान पी आर कथी हो जाएगा, ये भी कथी हो जाएगा, तो संगत भुजाए हैं, कोण नहीं कोण नहीं, कोण वाला बाद में देखेंगे, समझ आ रहा है ना। अभी मत लिखो, अब देखो सी वाला, तो सी है ना, तो इसके सम्मुख कौन है, ए भी है, तो कौन सॉरी कौन बोल रहा है, अरे कौन लगा दिली है, कौन ना लग तो ए भी ना बुआ, ए भी होगा ना, अब बराबर कथी हो जाएगा, ई आर ना है, देखो यहाँ पे आर है, तो आर के सम्मुख कौन है, पी क्यू, ये भी कथी है बुआ संगत भुजाए हैं। संगत भुजा का मतलब क्या समझा, दो त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजा को कथी कहते हैं, संगत भुजा कहते हैं। फिर से समझो, दो त्रिभुज में समान कोण, दो को त्रिभुज लेना, उसमें कथी लेना है समान कोण लेना, और समान कोण के जो सम्मुख भुजा होगा उसको हम लोग संगत भुजा कहेंगे, ठीक है। लो आंख मुन के दो को त्रिभुज हो गया, ओके, समान कोण ले लिए, ठीक है, समान कोण के सम्मुख भुजा को कथी कहेंगे, संगत भुजा कहेंगे, राइट। फिर से समझो, दो को त्रिभुज लिए, ठीक है, उसके समान कोण ले लिए, अभी वाला देख रहे हैं, ठीक है, समान कोण के सम्मुख भुजा को कथी कहेंगे, संगत भुजा कहेंगे। चलो अब इसको भूलो तनका, इसको भूलो भूलो जल्दी, भूल जाओ, भूल गया, चलो अब यहाँ पे देखो बता तनका, बीसी के संगत भुजा कौन होगा, क्यू आर, वेरी गुड। एसी का संगत भुजा कौन होगा, पी आर, वेरी गुड। पी क्यू का संगत भुजा कौन होगा, आए पी क्यू का ए बी ए बी ए बी, यहाँ देखो ना रे, इसका ई है तो इसका कौन होगा, ए ना होगा, कन्फ्यूजन है का। फिर से देखो बीसी का संगत भुजा कौन होगा, अरे बगलोल सा है, कुछ कुछ बोल रहा है, बीसी का कौन हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है, एसी का कौन होगा, पी आर, ए बी का कौन होगा, पी क्यू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, दो तीन बार बोलो, नहीं समझ में आता तो फिर से पूछो हमसे, ठीक है। चलो इसको छापो, इसको छापो छापो, तो एक बार बता रहे हैं, चलो थोड़ा फिर से ध्यान दो। हमने बताया आपको कि दो त्रिभुज में संगत भुजा तथा संगत कोणों के अर्थ, तो सबसे पहले हम लोग जाने हैं संगत भुजा के अर्थ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाओं को संगत भुजा कहते हैं, यही ना बताया, दो त्रिभुज लेना है, कैसे लेना है, दो त्रिभुज, और दोनों त्रिभुज में कथी लेना है कि समान कोण ले लेना है, और समान कोण लेने के बाद उसका सम्मुख जो भुजा होगा वही हमारा कथी कहलाएगा, संगत भुजा कहलाएगा। तो मान लीजिए हम ले लिए दो त्रिभुज, ले लिए दो त्रिभुज लिए, तो देखिए कोण ए जो है किसके बराबर है, कोण पी के है, कोण बी जो है किसके बराबर है, कोण क्यू के है, और कोण सी जो है किसके बराबर है, कोण आर के है। चलो अब कोण
ए लिए आ कौन पी लिए दोनों बराबर है ना, तो कौन ए के सम्मुख भुजा कौन होगा बी सी, कौन पी के सम्मुख भुजा कौन होगा क्यू आर, सम्मुख मतलब सामने वाला, सम्मुख मतलब सामने वाला, देखो बी सी बराबर कौन हो जाएगा क्यू आर, संगत भुजा होगा ना। चलिए उसी प्रकार से कौन बी कौन क्यू के बराबर है तो कौन बी के सम्मुख कौन हो जाएगा ए सी, कौन क्यू के सम्मुख कौन हो जाएगा पी आर, तो ए सी बराबर कौन थी पी आर, कैसे हो जाएगा संगत भुजा हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए सी कौन सी के सम्मुख भुजा कौन है ए बी, तो ए बी बराबर यहाँ पे देखिए सी जो था आर के बराबर था, आर बराबर कैसे हो जाएगा पी क्यू, यानी ए सी बराबर कैसे हो जाएगा पी क्यू, सॉरी ए सी बोल रहे ए बी बराबर कैसे हो जाएगा पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े, अभी हम लोग संगत भुजा था देख लिए, संगत कौन देखेंगे देखेंगे तब ठीक इसी प्रकार से जहां पे कौन था वहां पे भुजा, भुजा था वहां पे कौन कर देंगे। तो लिखेंगे दो त्रिभुज, ठीक है कथी बुआ दो त्रिभुज, ठीक है दो त्रिभुज में ठीक है समान कथी समान भुजा समान भुजाओ, ठीक है कि सम्मुख कोनों को, सम्मुख कोनों को संगत कोण कहते हैं, कहते कहते हैं संगत कोण कहते हैं, समझा कि ना। फिर दुगो त्रिभुज लेंगे, समझो बाद में उतारना, समझो पहले बाद में उतारना, दुगो त्रिभुज ले लिए नाम दे दो ए बी सी पी क्यू आर, नाम कुछ भी दे सकते हो ठीक है, लेकिन अभी हम जो दे रहे हैं वही दे के समझो ताकि बाद में अपना इन कर सकता है ठीक है। अब यहाँ पे समझिए क्या बोला दो त्रिभुज में, ठीक है दो त्रिभुज हो गया यह दोनों में ना, चलिए समान भुजाओं की सम्मुख कोणों की कोणों को संगत कोण कहते हैं। तो समान भुजा ले लो, मान लो कि ए बी बराबर है किसके, ए बी है बराबर कथी के पी क्यू के, ठीक है कौमा बी सी जो है बराबर, बी सी जो है बराबर कथी के है, ई बी सी जो है बराबर क्यू आर के, कथी के बुआ क्यू आर के, ठीक है मान लेते हैं फिर कि जो ए सी बराबर है कौन सी ए सी, ए सी के बराबर, ए सी बराबर किसके है पी आर के। फिर ये देखो सिंगल क्यों दिए हैं कि पहला भुजा माने, डबल क्यों दिए हैं क्योंकि दूसरा भुजा माने, ट्रिपल क्यों दिए हैं क्योंकि तीसरा भुजा माने, कोई दिक्कत नहीं हम लोग इधर से चल रहे हैं। चलो अब बोला है कि दो त्रिभुज लीजिए और उसका समान भुजा कथ लीजिए, दो त्रिभुज में समान भुजा लीजिए और समान भुजा के सम्मुख कोण लीजिए कथ लीजिए, और वही सम्मुख कोण कथी हो जाएगा संगत कोण कहलाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो देखिए तो अब यहाँ पर समझिएगा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ए बी का देखिए सम्मुख कौन कौन है, ए बी हो गया, ए बी के सम्मुख कौन है सी है, तो कौन सी जो है बराबर किसके हो जाएगा ए बी वाला ई है पी क्यू के, इसका सम्मुख कौन है आर हो जाएगा, कौन आर, कोई दिक्कत। चलो कथी है तो संगत कौन है राइट। चलिए अरे कौन ना पढ़ रहे हम लोग, कौन ना पढ़ रहे हैं भुजा इसमें थोड़ी होगा, भुजा वहां पर है। चलिए आप यहाँ पे देखिए फिर उसी प्रकार से देखिए, ये वाला उठाएंगे तो बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी है ना, बी सी का सम्मुख कौन है ए, तो कौन ए बराबर बी सी के बराबर कौन था क्यू आर, तो क्यू आर के सम्मुख कौन है पी, कौन कथे जगह कौन पी कथे जगह हुआ संगत कौन है, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे देखिए अब कथे बच गया ए सी, तो ए सी के सम्मुख कौन है बी है, तो कौन लिखेंगे बी बराबर आई सी के बराबर कौन था पी आर, तो पी आर के सम्मुख कौन है क्यू, तो लिखेंगे कौन क्यू कथी है बुआ, तो संगत कौन है, कोई दिक्कत। चलो सबसे पहले समझ लो, अब देखो यहाँ कौन सी बराबर कौन आर, कौन ए बराबर कौन पी, कौन बी बराबर कौन क्यू, अब यहाँ पे तंग समझो लिखो मत समझो पहले, कौन ए बराबर कौन पी रहता फिर कौन बी बराबर क्यू रहता फिर अंतिम में कौन सी बराबर कौन आ रहा था, अच्छा लगता है ना, तो इसको आप लिख सकते हो ठीक है, इसे लिख सकते हो, हम अभी समझाने के लिए इन्होंने लिखे लेकिन आप जो है लाइन से लिखे, जब हम लोग हिसाब बनाएंगे तो उसमें लाइन से लिखेंगे, कौन ए के बराबर पहले कौन ए वाला लिखेंगे फिर बी वाला लिखेंगे फिर सी वाला लिखेंगे, फिर इसमें जैसे लिखे हैं ना उसी प्रकार से पहले ए बी वाला लिखेंगे फिर बी सी वाला लिखेंगे फिर ए सी वाला लिखेंगे ठीक है, ताकि अच्छा लगे ठीक है, सही ए बी है अच्छा लगने के लिए ठीक है, ताकि नाम बोलने में भी आसानी हो ए बी बी सी ए सी ना, ये आसान होता है। अब यहाँ पर हमको आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करना है, चलिए बताइए तो कौन ए का संगत कौन कौन होगा, हाँ कौन पूछ रहे हैं बकलोल सा, कौन 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 ए का संगत कौन कौन होगा सी, पी ना होगा रे, आए संगत भुजा मतलब नहीं समझता है अभी तक,
संघ संगत कौन, मतलब कौन ए का संगत कौन कौन होगा, पी होगा, कौन बी का कौन होगा, क्यू, ठीक है, कौन क्यू कौन सी का कौन हो जाएगा, आर। समझ में लो आए, चलो एक और फिगर बना रहे हैं उसमें बताना। इसमें भुजा कोने पूछ रहे, चलो इसका नाम दे दिए पी क्यू आर, इसका दे दिए एस, रुक जाओ एस नहीं, टी सी या टी सी एन ना, रुक जाओ, इसका नाम दे देता है एम एन पी, ठीक है एम एन पी। चलो तो बताओ कौन पी का संगत कौन कौन होगा, एम, वेरी गुड, कौन क्यू का संगत कौन कौन होगा, एन, वेरी गुड, ठीक है, चलो कौन आर का संगत कौन कौन होगा, चलो वेरी गुड, समझ गया संगत भुजा वाला भी तंगा पूछ रहे, चलो इसी में बताओ, तो इसी में पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कौन पी क्यू, सॉरी कौन बोले, कौन पी क्यू भुजा पी क्यू का संगत भुजा कौन हो जाएगा, एम एन, नाम जैसे इसमें लेना वैसे नाम इसमें भी लेना पड़ेगा, उलट पलट के लेगा, सर्वांगसर पढ़ रहे हो, उलट पलट के लेगा पूरा गलती हो जाएगा, ठीक है, चलो तो पी ए क्यू का संगत कौन होगा, एम एन, ठीक है, क्यू आर का संगत कौन हो जाएगा, एन पी, ठीक है, और पी आर का संगत कौन हो जाएगा, एम पी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना, छाप दो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो है सर्वांगसम आकृति देख लिए, समझ में आ गया होगा अच्छा से, ठीक है, फिर जो है हम लोग देखें संगत भुजा का अर्थ और संगत कोण का अर्थ, अब जो है अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, समझ में नहीं है तो क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए, ठीक है, चलिए लिखिएगा, यदि दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, क्या हो बुआ, सर्वांगसम हो तो उसके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इस शर्त को समझो, क्या कर रहा है स्टेटमेंट, समझो समझो, एकदा बोला है कि यदि दो त्रिभुज क्या हो, सर्वांगसम हो, तो उसके संगत भुजा और संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। अभी हम लोग देखे हैं ना, अभी हम लोग देखे हैं ना, हम लोग क्या देखे हैं, तो संगत भुजा देखे, संगत कोण भी देखे, देखे ना, और सर्वांगसम आकृति भी देखे, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या दे रहा है कि हम दे रहे हैं, बोला है कि हम बता रहे हैं आपको कि दुगो त्रिभुज जो है सर्वांगसम यदि होता है तो उसका संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और संगत भुजा भी बराबर होना चाहिए, लिख के बता दे, चलिए इतना स्टेटमेंट है, अब मैथ के मतलब शॉर्टकट भाषा में आपको बता रहे हैं संकेत में, ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, आए मान लो फिर एगो त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम कहती है ए, इसका नाम कहती है बी, इसका सी और इसका पी मान लो, ठीक है, क्यू मान लो, आर मान लो, कोई दिक्कत, तो इसमें क्या बोला है, इसका देखो यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसके संगत भुजा और संगत कोण बराबर, पहले तो लिखना पड़ेगा त्रिभुज कथी, त्रिभुज ए बी सी कथी है सर्वांगसम है, दिया है ना सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना, अब यहां पे समझो, लिखने से ज्यादा समझने पे कोशिश करो कि हम क्या लिखे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, फिर इधर भी देखो कर्म क्या है, पी क्यू आर, ठीक है, तो हमको लिखना कहती है कि भुजा बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर होता है, संगत भुजा भी बराबर होता है, संगत कोण भी बराबर होता है, यहां पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, हमको लिखना क्या है, संगत भुजा भी बड़ा होता है, संगत कोण भी बड़ा होता है। अब एक ट्रिक समझ लो, ठीक है, आपको आकृति देखने की जरूरत नहीं होगा, आप पेटी से लिख दो संगत भुजा संगत कोण, ट्रिक क्या है, इसमें जो उठाया वही चीज इसमें उठाना पड़ेगा, समझा, तो हम इसमें उठा रहे हैं भुजा ए बी, कथी भुजा ए बी, भुजा ए बी बराबर होगा कथी के, इसमें ए बी उठाया तो इसमें कथी उठाना पड़ेगा, पी क्यू बराबर, चलिए फिर उठाएंगे बी सी, कथी उठाएंगे बी सी, तो इसमें कथी लेंगे क्यू आर, समझ में आ रहा है, चलिए अब उठाएंगे इसमें ए सी, कथी उठाएंगे ए सी, तो ए सी, तो इसमें कथी पी और आर, समझ में आ रहा है, ये बोला है कि हम दो त्रिभुज बोलू तुरा सर्वांगसम दे लो, तू एक कोण मतलब एक संगत जो कोण होता है संगत भुजा होता है वो भी बराबर कर दो, चलो कर देते का दिक्कत है, मतलब बराबर होता है ये बोल रहा है, चलिए तो होता है तो होता है, चलिए ये भुजा हो गया, कौन की बात करें तो कौन इसमें ए रहे हैं, ए ले रहा है कथी ले रहा है बुआ, इसमें कौन ए ले रहा है तो इसमें कथी लेंगे, कौन पी, कौन इसमें बी ले रहा है तो इसमें कथी लेंगे, कौन की बोलो, कौन इसमें सी ले रहा है तो कौन कथी होगा, आर। अब इसमें फिगर में देखें
फिगर में देखे तो बताइए ए भी किसके संगत है? पी की, पी, पी बोला है खाली रे, पी क्यू। बी सी किसके संगत है? क्यू आर। और ए सी किसके संगत है? कोई दिक्कत नहीं। कौन ए किसके संगत कौन है? पी का। देखो यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, अब यहाँ समझ आ ना, यहाँ तक बताओ ठीक है, बताओ कौन किसका संगत है, कौन बी जो है कौन किसका संगत है? क्यू का। चलो कौन सी किसका संगत है? आर का। आर का ठीक है। हम जो भी ट्रिक बताए हैं ई आकृति वाला नहीं, ई वाला ट्रिक ध्यान रखना, ई वाला ट्रिक ध्यान रखना, फिगर में कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिगर में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए बता रहे तभी आसान फिगर था बता दिया। लेकिन फिगर जब उल्टा सीधा देगा तो फिगर को नहीं देखना, संगत भुजा संगत कौन लिखना होगा, तब बस आप इसको देखना, इसको इसमें जो उठाएगा इसमें वही उठाना ठीक है, बता दिए। चलो अभी उल्टा सीधा संगत देकर फिगर हम आपको चेक भी कर लेते हैं। चलो अब तू सोचना ये आखिर बराबर हुआ है, त्रिभुज सर्वांगक्षम दे दिया है तो जो संगत कोण बराबर हुआ, संगत भुजा बराबर हुआ, तो कुछ तो नियम लगा होगा, कुछ नियम लगा होगा ना, कैसी जति मन की तथी रख दी है, तो कुछ नियम लगा है, उस नियम को हम लोग बोलते हैं क्या है वो अभी लिख रहे हैं ठीक है। चलिए तो जो नियम से बराबर हुआ है उस नियम को हम कहते हैं सी पी सी टी, कथी बोलते हुआ सी पी सी टी, इसको फुल फॉर्म मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ठीक है, ट्रेंगल कथी बुआ ट्रेंगल, ट्रेंगल मतलब तो जानता है ना त्रिभुज आए। चलिए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग, सी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, पी का मतलब पार्ट ठीक है, ऑफ ऐसी लगा है ठीक है, सी का मतलब हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम, इसका मतलब होता है ना। चलिए टी का मतलब ट्रेंगल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ठीक है, सीपीसीटी का मतलब हो गया। देखो अब कभी कहीं भी हम यदि यूज करते हैं सीपीसीटी तो समझ लेना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कभी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल होता है ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म। चलो इसका हिंदी भी लिखवा देते हैं, सर्वांगसम, सर्वांगसम क्या चीज हुआ, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, संगत भाग ठीक है। हम कहीं भी ई नहीं बोलेंगे, पहले बता रहे हैं लिखवा दिए अभी, लेकिन ज्यादा हम जो यूज करेंगे सीपीसीटी ही बोलेंगे ठीक है ना, शॉर्टकट ही नाम यूज करेंगे, रत्ता को बोलने में लेट भी लगेगा ठीक है, कहीं कहीं तू सब गलतियों कर देगा, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग नहीं बोलेंगे, ना बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम बोलेंगे कथी सीपीसीटी। ध्यान देना कहीं भी हम लिख सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज कथी है सर्वांगसम है तो उसका संगत कौन कथी होगा, बराबर होगा, संगत भुजा भी कथी होगा, हम कहेंगे कि ई संगत आपको कहेंगे कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम दे रहा है तो हम लिख देंगे वहां पे अपने आप कथी संगत भुजा बराबर है, संगत कौन बराबर है, तो बाद में क्वेश्चन उठा रहा कि कैसे होगा, हम लिख देंगे ब्रैकेट से कि सीपीसीटी से होगा, तो बाद में आप समझ लीजिएगा कि सीपीसीटी क्या आता है, सीपीसीटी यही है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वेंट ट्रेंगल यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा ठीक है। आई ये वो एक प्रकार का अभिगृहित है, कहती है अभिगृहित है, अभिगृहित का मतलब आपको पता बता दिए हैं कि अभिगृहित को साबित नहीं किया जाता है, ये जो है गणित क्या क्या है स्टेटमेंट है, यानी कहूँ कहीं से तो शुरुआत होगा ना, कहीं से शुरुआत होगा तो कुछ चीज़ को जो है हम लोग अपरिभाषित ऐसे छोड़ दिए, मतलब ऐसे छोड़ दिए उसको, मतलब उसका परिभाषा नहीं दिया गया उसको ऐसे छोड़ दिया गया, तो वही सीपीसीटी भी वो कथी है अभिगृहित ही है ठीक है, इसलिए इसको हम लोग साबित नहीं करेंगे, खाली जान लेंगे कि बराबर होता है तो होता है कब, जब दो को त्रिभुज कथी हो सर्वांगसम हो तो उसके संगत कोण संगत भुजा बराबर होता है, किससे था सीपीसीटी से, बस इसको राइट डाउन करो ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा आकृति कुछ हम बना रहे हैं, आप लोग नहीं बनाएगा ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दे ए बी सी ठीक है, इसका नाम दे दे पी डी ठीक है ई, अब कहें कि इसका संगत भुजा लिखिए, ये कह दे कि ए बी सी त्रिभुज का थी, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज है किसके, त्रिभुज पी डी ई के, कथी के पी डी ई के, अब जब सर्वांगसम है तो इसका संगत कोण और संगत भुजा भी कथी होगा बराबर होगा, होगा ना रे, नहीं बोला सर्वांगसम है तो इसका संगत कोण संगत भुजा भी कथी होगा, तो सबसे पहले आप लिखिए संगत भुजा, फिर लिखिए संगत कोण, कैसे लिखेगा फिगर देखे लिख सकता है, फिगर देखे लिख सकता है
आए हमको तो नहीं लगता कि लिख देगा, इतना जटिल है। आए तो अभी हम लिख देते यहाँ पे, तू घर पे ट्राई कर लेना बगैर देखे हुए, ठीक है ना? ट्राई कर लेना, गलती हो जाएगा ना, तभी ट्राई कर लो, गलती हो जाएगा। लिखो, लिख लो, ट्राई करो, ट्राई करो। अभी फिगर देख के सर्वांगसम लिखो, ई नहीं देखना है, फिगर देख के। हाँ फिगर देख के सर्वांगसम लिख के बताओ। हाँ हाँ वही मतलब फिगर देख के इसका संगत भुजा संगत कौन लिख के बताओ। फिगर देख के यहाँ पे नहीं देखना, इसको नहीं देखना, चीटिंग नहीं करना। तू सर शर्त दे रहा है, यही गलत बात है। हम जानते हैं कि नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है, बहुत लेट लगेगा। समझ आ रहा है ना? ऐसे फिगर देख दे के तुम लोग संगत भुजा नहीं लिख सकते हो, बहुत लेट लगेगा, ठीक है ना? ट्राई कर लेना, हम जानते हैं बहुत लेट लगेगा। अब बताओ ये भी किसका संगत भुजा है? ये है पहले खोजो ना इसमें किसका है, यहाँ नहीं देखना है, इसमें खाली फिगर में देखो। ये भी किसका संगत भुजा बताओ, किसका? अब यहाँ नहीं देखना है, ठीक है ना? अब पी के बोला ना, हम बोल दिए गलती। समझ आया कैसे गलती है? तो देखिए हम लोग देखो, जब आकृति जटिल दे, आकृति मतलब समझ में नहीं ना रहा है, समझ में आ रहा है आकृति? ये है त्रिभुज, इतना जान रहा है, लेकिन त्रिभुज का कोण जो है, कोण कितने होगा, उस थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे सीधा करें समझ में नहीं आ रहा है। तब बताएं कि संगत भुजा संगत कोण लिखना होगा, तब आकृति भूल जाना, क्या ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? चलो यहीं से हम लोग संगत भुजा संगत क्या चीज़ कोण लिख लेंगे। तो देखिए तो ए बी, ए बी भुजा ले लिए, तो इसका संगत कौन हो जाएगा? पी डी हो जाएगा, ठीक है? ध्यान देना आकृति में ही ध्यान देना, भले आकृति बोले यहाँ पे ध्यान देना, वहाँ ध्यान नहीं देना, यहाँ पे यहाँ से सब कुछ लिखा जाएगा। देखो फिर बी सी, कथी बुआ बी सी बराबर है किसके? डी ई के, ठीक है? फिर ए सी, कथी बुआ ए सी बराबर कथी हो जाएगा? पी ई। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन ए बराबर हो जाएगा कथी के? कौन पी। कौन बी बराबर हो जाएगा कथी के? कौन डी के। कौन सी बराबर हो जाएगा? कौन ई के, ठीक है ना? ये सब कथी है संगत भुजाएं हैं, आई सब कथी है संगत कौन है, ठीक है? लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा एक और चेक कर रहे हैं, ठीक है? बताना तू सा तुरंत बताएं कि फिगर में नहीं देखना है, यहाँ पे देख के निकाल लेना, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे रुजा थोड़ा सा, हम दे रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी के, ठीक है? ध्यान देना ए सी बी ना दे रहे हैं, चलो लिखो बी सॉरी ए सी बी, चलो वही लिख लो, लिख लो कोई दिक्कत ना। चलो अब बताइए इसका संगत भुजा कैसे लिखना है, संगत कोण। तब फिगर में देखोगे तो तंगा फंस सकते हो, ना तो नाम चेंज कर दे थोड़ा। चलो नाम ही चेंज कर देते हैं ना, लिख लो एम एन पी। अच्छा पी याद है लो तो लिख लो एम एन टी लिख दो, कोई दिक्कत? चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं एम टी एन, ठीक है? एम टी एन, मान लो कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम दे दिया, त्रिभुज एम टी एन। अब हमको लिखना है संगत भुजा संगत कोण, तो एक ही फटाफट खड़ा होकर बताओ, खड़ा हो रहे बताओ पी क्यू का संगत भुजा कौन हो जाएगा? क्या चीज? एम टी, बताया ना यहाँ पे देखना है, यहाँ पे पी क्यू तो एम टी, क्या हो जाएगा? एम टी। चलो बैठ जाओ, नेक्स्ट खड़ा हो जाओ, बताइएगा क्यू आर, क्यू आर का संगत भुजा बताओ? टी एन, वेरी गुड। चलो बैठ जाओ, खड़ा हो जाएगा बगल वाला। पी आर बताओ, पी आर, पी आर का संगत भुजा बताओ? एम एन, ठीक है? चलो खड़ा हो जाओ, नेक्स्ट कौन पी का, कौन पी का संगत कौन बताओ? कौन पी का संगत कौन, कौन पी का संगत कौन, कौन? अब एक बोलना है कौन वाला बताओ, आई कौन पी है? हाँ कथी हो गई, कौन एम, बैठो कौन एम होगा ना, कौन पी का कथी हो जाएगा? कौन एम। नेक्स्ट खड़ा हो, कौन क्यू का संगत कौन बताओ, क्या हो जाएगा? कौन क्यू का क्या हो जाएगा, यहाँ देखना है ना, तो टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कौन टी, कौन टी बोलो। चलो कौन आर, गौरव बताएगा
कौन आर का संगत कौन कौन हो जाएगा, कौन एन होगा। अरे बताए ना कौन में एक ही को लेना है, जो बोलेगा उसके सापेक्ष लेना। देखो पी बोला था एम लिए, क्यू बोला था कदी लिए टी लेंगे, आर बोला था कदी लेंगे एन लेंगे। भुजा में दुगो उठाएंगे तो इधर भी कैगो उठाएंगे, दुगो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सर्वांगसम देख रहे थे, आए सर्वांगसम के संगत कौन संगत भुजा देख रहे थे। अब जो हम लोग त्रिभुजों के सर्वांगसमता का जो नियम होता है कैगो होता है उसको देखेंगे। तो लिखिएगा आप लोग, हेडिंग बनाइएगा त्रिभुजों की सर्वांगसमता, ठीक है, लिखिएगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग जो है कैगो नियम है उसको जानेंगे और सब नियम से त्रिभुज को सर्वांगसम साबित करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग चार गो नियम जानेंगे, क्या गो नियम जानेंगे, चार। और चारों को नियम के जगह पे हम लोग नियम ना बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, परमेय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परमेय, ठीक है। चलिए जानते हैं, एक नंबर जानेंगे हम लोग। तो एक नंबर है साइड एंगल साइड, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग भुजा, सॉरी साइड मतलब कथी होता है भुजा, ठीक है। एंगल मतलब होता है कोण और साइड मतलब कथी होता है भुजा, ठीक है। ये हो गया साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता अभिगृहित, कथी बोलेंगे इसको अभी अभिगृहित, अभिगृहित को साबित नहीं किया जाता, पता है ना रे बुआ, इसमें जो थोड़ा जानना है उसको हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। चलो अभी जान लो, तनकाई कहीं लिखना चाहते लिख लेना। साइड को हम लोग भुजा कहते हैं, एस आई डी ई, कहती बुआ साइड, साइड मतलब कैसे होता है भुजा, कैसे होता है बुआ भुजा, इसको संकेत में एस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एंगल मतलब कैसे होता है, अरे नहीं बोला, एंगल मतलब कोण, संकेत में हम लोग इसको लिखेंगे ए, ठीक है, समझ गया ना। तो बाद में क्वेश्चन ना उठाना है कि इसको क्या बोलेंगे। तो साइड एंगल साइड, ठीक है, भुजा कोण भुजा, साइड मतलब क्या थी भुजा, एंगल मतलब क्या चीज कोण, और एस मतलब भुजा, तो इसको बोलेंगे एस ए एस, एस ए एस हम लोग बोलेंगे एस ए एस या साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, कोई नाम से इसको बोल सकता है, भुजा कोण भुजा कथी सर्वांग क्षमता अभिगृहित। तो एक नंबर हो गया, दूसरा का नंबर लिखिएगा साइड 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 यानी कथी जगह भुजा भुजा क्या चीज भुजा, ठीक है, सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता परमे, क्या होगा बुआ परमे, ठीक है, परिमे नहीं परमे, थ्यूरम, थ्यूरम बोलते हैं परमे को इंग्लिश में, ठीक है। थर्ड नंबर देखिएगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल यानी कथी हो जाएगा कोण भुजा कोण, ठीक है। अब देखो एक नंबर और तीन नंबर सेम ना समझ लेना, देख लो पहले गौर से, यहाँ पे कहती है भुजा कोण भुजा, यहाँ पे कोण भुजा कोण है, देख लो यहाँ पे एस ए एस, यहाँ पे ए एस ए है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता कथी परमे, ओके। चलिए फोर्थ नंबर लिखेगा आर एच एस, ठीक है, आर एच एस, आर एच एस करने का मतलब हो जाएगा राइट, कथी हो जाएगा बुआ राइट, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है, चाहे हिंदी लिख रहे थे ना तो हिंदी लिखने दो, आर एच एस, ठीक है, करने का मतलब कथी होगा समकोण, समकोण कोण, ठीक है, भुजा समकोण कोण, जस ऐसे लिखना है तुझा, ठीक है, सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता कथी परमे। चार नंबर क्या हो गया, आर एच एस यानी समकोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता परमे। तो सर्वांगसम के हम लोग लगभग एक दो तीन चार, चार गो परमे देखेंगे, चार गो परमे नहीं, हम लोग का परमे कै गो है, तीने गो है, लेकिन एक गो कथी हमारा अभिगृहित है, तो अभिगृहित जानते हो कि साबित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो भी स्टेटमेंट होगा उसको हम आपको बता देंगे, ठीक है, बाकी तीन गो के हम लोग साबित करके देखेंगे। कह सकते हो कि हम लोग सर्वांगसम को चार तरह से साबित करेंगे,
ये भी है तो कहीं ना कहीं साबित हो रहा है ना, तो कह सकते हैं हम लोग कि सर्वांगक्षम को हम लोग चार तरह से देखेंगे कल। कई तरह से देखेंगे, चार तरह से देखेंगे, चार तरह से जो है हम लोग चार तरह की शर्त से हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज कथी होगा सर्वांगक्षम हो सकता है। कथी कथी से हो सकता है तो साइड एंगल साइड, ठीक है, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगक्षमता अभिग्रह से। दूसरा हो सकता है साइड 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 यानी भुजा 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 सर्वांगक्षमता कथी से परमेय से। तीसरा हो सकता है एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण सर्वांगक्षमता परमेय से। चौथा हो सकता है राइट सॉरी आर एच एस यानी समकोण कोण भुजा सर्वांगक्षमता परिमेय से। तो चार गो तरीका से जो है हम लोग त्रिभुज को सर्वांगक्षम करेंगे। ओके, तो आज जो है इसको रहने देते हैं, ठीक है। आज क्या क्या पढ़े उसको फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो आज हम लोग जो है पढ़े हैं क्या चीज, सबसे पहले हम लोग जाने हैं सर्वांगक्षम के बारे में, ठीक है। सर्वांगक्षम जाने के बाद जो हम लोग देखे हैं क्या चीज, संगत भुजा संगत कोण के बारे में। फिर जो है हम लोग अभी जान रहे हैं कथी के बारे में कि त्रिभुज की सर्वांगक्षमता, ठीक है, यानी त्रिभुज की सर्वांगक्षमता जो होता है कई प्रकार से हम लोग उसको देख सकते हैं। तब जाने तो एक दो तीन चार प्रकार से देख सकते हैं उसको, और चारों प्रकार को जो है कल से हम लोग साबित करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है।